मिस्र में सोमवार को 5 महिलाओं को टिकटॉक के इस्तेमाल करने पर 2-2 साल की सजा सुनाई गई है। इन पर समाज का माहौल खराब करने का आरोप है। हर महिला पर 3 लाख इजिप्शियन पाउंड यानी करीब 14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इन महिलाओं में हनीम होसाम और मोआदा अल अधम भी शामिल हैं। सोशल मीडिया पर इनके लाखों फॉलोअर हैं। होसाम ने टिकटॉक पर 3 मिनट का वीडियो डालकर 13 लाख फॉलोअर्स से कहा था कि लड़कियां मेरे साथ काम करके पैसा कमा सकती हैं। वहीं अधम ने टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर कई वीडियो डालकर सरकार पर तंज कसे थे। ये वीडियो सामने आने के बाद अप्रैल में होसाम को और मई में अधम को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि मिस्र में इंटरनेट के इस्तेमाल के नियम बहुत सख्त हैं। अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बताकर कोई भी वेबसाइट बंद करा सकते हैं। यहाँ 5000 से ज्यादा फॉलोअर वाले हर सोशल मीडिया अकाउंट की निगरानी की जाती है। मिस्र की 10 करोड़ से ज्यादा की आबादी में 40% लोगों की पहुंच अब इंटरनेट तक हो गई है।